हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं नकुल और आप देख रहे हैं हुंडई की ग्रैंड i10 नियोस, जो कि ये आस्टा वेरिएंट है और ये जनवरी 2023 में लॉन्च हुई है गाइस। मतलब अभी अभी जस्ट अभी लॉन्चिंग का ये फंक्शन ख़त्म हुआ, ये वीडियो रिकॉर्ड हम कर रहे हैं गाइस। तो फाइनली ये जो 2023 में जनवरी में जो लॉन्च हुआ है, वाकई में ज़बरदस्त फेसलिफ्ट i10 में किया गया गाइस। पूरी वीडियो देखें, वीडियो के स्किप ना करें। अगर यदि हम सबसे पहले तो पूरी गाड़ी दिखला देते हैं, उसके बाद गाड़ी के बारे में रिव्यू करते हैं गाइस। अगर यदि हम इसका देख सकते हैं, जो गाड़ी का फेसलिफ्ट है ना, वाकई में मतलब फेसलिफ्ट तो 24-25 हज़ार रुपया थोड़ा पहले की अपेक्षा बड़ा है ऑन रोड पे। तो ये देख सकते हैं, अगर यदि हम सामने की ओर फ्रंट की ओर चलेंगे और सामने बात करेंगे गाइस, तो आप देख सकते हैं प्यालों ब्लैक फिनिश में जो कि ग्रिल आपको मिलता है, मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट गाड़ी का लुक्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड करती है गाइस। आप देख सकते हैं, मतलब जो ग्रिल दिया गया है पियानो ब्लैक फिनिश में, वाकई में ज़बरदस्त दिया गया है। और यहाँ पे DRL जो दिया जाता था वहाँ पे देखे ना आपको, यहाँ पे DRL दिया गया है गाइस, डे रनिंग लाइट। यहाँ पे एरो कटिंग है, यहाँ पे हवा को काट कर सीधे टायर को देती है, जो कि टायर ठंडा करने में काम आती है। अगर यदि हम ये का बात करेंगे, लोगों का हुंडई का लोगों का बात करेंगे, तब पहले डार्क क्रोम में मिल जाता था लोगों, बट अब काफ़ी मतलब लोगों में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं और लोगों का जो कलर में है वो चेंजेस है। अगर यदि यहाँ पे बात कर लें तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है, बॉनेट का सेफ एकदम बिल्कुल सेम सेफ है जब पहले होता था। यहाँ पे देखने को मिलता है आपको जो ये फिनिश जो मिलता है, वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त फिनिश मिलता है गाइस। अगर यदि इसका ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लें तो 167 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि इंडिया के रोडों के लिए बहुत ही परफेक्ट है गाइस। अगर यदि हम ऊपर में इसका बात कर लें तो आपको ब्लैक फिनिश में रूफरेल मिलता है गाइस, जो कि रूफरेल तो खैर गाड़ी में होती है तो एक अलग रुतबा होता है रूफरेल का। अगर यदि हम इसका टायर का बात कर लें तो डायमंड कट्स एलॉय व्हील आपको प्रोवाइड करती है गाइस, आप देख सकते हैं। जो कि ब्रेक में बात करें तो आगे डिस्क पीछे ड्रम, इसका टायर का साइज है 175/60/15, मतलब 15 इंच का एलॉय व्हील एंड टायर आपको प्रोवाइड करती है गाइस। आगे में डिस्क है, पीछे में ड्रम। अगर यदि हम इसका ओवर बीम पे बात करेंगे तो LED आपको ओवर बीम पे हज़ार लाइट का इंडिकेट्स मिलता है। गेट के में बात करेंगे तो गेट हैंडल में आपको क्रोम ट्रीटमेंट नहीं कराना पड़ेगा, ऑलरेडी पहले से क्रोम ट्रीटमेंट के साथ ही आपको प्रोवाइड करती है गाइस। अगर यदि इसका माइलेज की बात कर लेंगे तो आप माइलेज इसका 18-20 आपका सिटी माइलेज है, 22-24 आपका हाईवे माइलेज है। जो मेन है फेसलिफ्ट किया गया है वो आगे और पीछे ही फेसलिफ्ट किया गया है। यहाँ पे सी पिलर पे GI10 की बैजिंग आपको देखने को मिलता है। अब क्या चेंज है वो आप देख सकते हैं गाइस, ये आपको सामने से एकदम चेंज आपको दिख रहा है। अगर यदि हम इसका ऊपर में बात कर लें तो शार्क पे एंटीना आपको बॉडी कलर फेरेरी रेड में आपको प्रोवाइड करती है, और यहाँ पे ऊपर में हाई स्टॉप माउंट लाइट एंड डिफोगर रेयर वाइपर, जो कनेक्टिंग जो लाइट दिया है वो पूरा LED कनेक्टिंग टेल लैंप आपको दिया गया है गाइस। यहाँ पे कैमरा का क्वालिटी भी वाकई में बहुत अच्छा है। यहाँ पे हालांकि रैप लगा हुआ है, अभी हम अंदर चल के आपको कैमरा का क्वालिटी दिखलाएंगे। ग्रैंड i10 की बैजिंग, हुंडई की लोगो, नियोस की बैजिंग एंड आस्टा की बैजिंग आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलता है गाइस। अगर यदि हम इसका रिफ्लेक्टेड लाइट की बात कर लें तो 2 रिफ्लेक्टेड लाइट दिया गया है और रेयर सेंसर आपको 2 प्रोवाइड करती हैं गाइस। तो हालांकि रेयर जो सेंसर दिया गया है, कुछ पीछे कुछ भी डिवाइडर वगैरह होने से आपको सीधा दिखता है, मतलब इंडिकेट करता है डिस्प्ले पे। अगर यदि हम इसका ये के बात कर लें तो 1200 सीसी की गाड़ी है गाइस, ये पेट्रोल वेरिएंट में है, 1 पॉइंट टॉप गाड़ी है ये। तो आप देख सकते हैं, मतलब इसका जो परफॉर्मेंस है, फ्यूल कैपेसिटी इसका सेम है, 37 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी है। अगर यदि सेफ्टी रेटिंग की बात करेंगे ना तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंज आया है। अब चेंज क्या आया है वो मैं आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहले तो अगर चेंज की बात कर लेंगे तो एयर बैग इसमें 4 एयर बैग दिए हैं जी सर। पहले कोई भी वेरिएंट में, नियोस का कोई भी वेरिएंट में 4 एयर बैग नहीं होते थे, बट अब आस्टा वेरिएंट में आपको 4 एयर बैग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे कीलेस है सेंसर से, लॉक अनलॉक का ये होगा। ये हमने ड्राइवर साइड गेट खोला, इसका कीज़ आपको इस टाइप पे मिलते हैं, लॉक अनलॉक एंड बूट ओपन। कीज़ आपका सेम है, कीज़ में कोई चेंजेस नहीं। यहाँ पे चारों पावर विंडो, चाइल्ड विंडो लॉक, 1 टच डाउन विंडो, सेंटर लॉक अनलॉक
ये मिरर फोल्ड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल यहाँ पे दिया गया है। सीट में जो लेदर एंड फैब्रिक सीट यूज़ किया गया है जो कि वाकई में बहुत अच्छा है गाइस। अगर यदि इसका एयरबैग कहाँ पे बढ़ाया वो हम यहाँ पे दिखलाएंगे। सबसे पहले तो एक स्टीयरिंग में एंड एक को ड्राइवर साइड और तीसरा एयरबैग यहाँ पे आपको देखने को मिलता है गाइस, जो कि ये सीट ड्राइवर साइड एंड को ड्राइवर के सीट पे आपको देखने को मिलता है। पुश बटन स्टार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल, अगर यदि आप कीचड़ वगैरह में चल रहे हैं तो ये बटन अगर यदि आप ऑन कर लेंगे तो चक्का आपकी स्किट नहीं करेगा। यहाँ पे सिल्वर फिनिश में, ब्लैक फिनिश में जो कि एसी का वेंट दिया गया है, वॉकिंग में बहुत ही खूबसूरत, मतलब गुड्स लुकिंग, अच्छा व्यू के लिए, अच्छा फील के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिलता। और इसमें चार नहीं सॉरी इसमें आपको 6 एयरबैग दिए गए हैं। आस्टा के ये वेरियंट है, आस्टा वेरियंट है और ये रेड कलर जो है इसमें आपको 6 एयरबैग दिए गए हैं गाइस। अगर यदि इसका सेकंड टॉप में 4 एयरबैग है, ये सबसे टॉप वेरिएंट है तो इसमें आपको 6 एयरबैग आपको दिए गए हैं। सबसे पहले तो यहाँ स्टीयरिंग में को ड्राइवर साइड, यहाँ पे ये सीट पे, चौथा वो सीट पे और पाँचवा आपको वो पिलर में दिया गया है गाइस। आप देख सकते हैं इसका हम दिखलाते हैं पूरा बढ़िया से, ये आपका ये पिलर में दिया गया है, छठा ये पिलर में दिया गया है गाइस एयरबैग। तो सेफ्टी के मामले में एकदम हुंडई वालों ने ज़बरदस्त काम किया है। यहाँ पे पुश बटन स्टार्ट है, स्टीयरिंग में आपको टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग है, टिल्ड स्टीयरिंग है आपका, टेलीस्कोपिक नहीं है। और क्रूज कंट्रोल है, MID कंट्रोल है, क्रूज को प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। यहाँ से इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको मोड, वॉइस कमांड, वॉल्यूम प्लस, फ़ोन पिकअप, रिजैक्ट, म्यूजिक नेक्स्ट, यहाँ से आप कर सकते हैं गाइस। अगर यदि इंटीरियर तो मैनुअल ट्रांसमिशन में गाड़ी है, आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर जो है वाकई में ज़बरदस्त यहाँ पे इंटीरियर मिलता है गाइस। आप देख सकते हैं म्यूजिक सिस्टम है, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ, क्लाइमेट कंट्रोल में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जर एंड फास्ट चार्जिंग दिया गया है, टाइप सी नॉर्मली 12 वोल्ट का चार्जिंग एंड पेन ड्राइव सपोर्टेड। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर देखने को मिलता है, गियर नोब काफ़ी अच्छा है यहाँ पे देखने को मिलता, बहुत ही प्यारा यानी कि मिलता है। यहाँ पे एक कप होल्डर आपको देखने को मिलता है, वन बोटल वाटर होल्डर का देखने को मिल जाता है गाइस। यहाँ पे अगर यदि बात कर ले तो कूल ग्लव बॉक्स भी इसमें आपको प्रोवाइड करता है। जब गाड़ी से चल रहे हैं तो मार्केट से आप पानी बोतल चॉकलेट कर रहे हैं कैरी कर रहे हैं तो गाड़ी बंद होने के 4 घंटा बाद भी आपको चिल्ड मिलता है गाइस। यहाँ पे गेट का नोब सिल्वर फिनिश में मिलता है। यहाँ पे आपको जो डैशबोर्ड है वो काफ़ी प्रीमियम डैशबोर्ड अंदर से देखने को मिलता है गाइस। और जो कि इधर वाकई में मतलब ये गाड़ी जो है फेसलिफ्ट किया है, पूरा अंदर बाहर से सबसे चेंज किया है गाइस। अगर यदि हम इसका पैसेंजर सीट की बात कर लें तो बहुत ही कम्फर्ट जर्नी आप इससे कर पाएंगे गाइस। अगर यदि हम ये गेट खोलें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिल्वर फिनिश में गेट का जो नोब दिया गया है, यहाँ पावर विंडो को ऑपरेट दिया गया है। इसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलता है गाइस, आर्म रेस्ट इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ पे रेयर एसी वेंट भी आपको प्रोवाइड करती है नॉर्मली 12 वोल्ट के चार्जिंग के साथ। अगर यदि बॉडी लाइट की बात कर लें तो इंटीरियर में एक बॉडी लाइट आपको प्रोवाइड करती है, पार्सल ट्रे आपको देखने को मिलता है। पार्सल ट्रे में अगर यदि छोटा हैंडबैग वगैरह है तो आप इसमें इस अंदर आपको डिक्की में डालने की ज़रूरत नहीं, ऊपर में ही आप डाल दें। अगर म्यूजिक सिस्टम की बात कर लेंगे तो 4 स्पीकर एंड 2 ट्विटर आपको इसमें प्रोवाइड करती है गाइस। अगर यदि बूट की बात कर लें तो बूट वाकई में मतलब बूट स्पेस भी इसका काफ़ी अच्छा है। बूट स्पेस इतना है कि आप एक फैमिली के लिए कंफर्ट जोन में और इससे ज़्यादा लॉन्ग जर्नी आप चल रहे हैं तो 3-4 आराम से बड़ा बड़ा लैगेज आ जाएगा। यहाँ पर पार्सल ट्रे, इसके अंदर स्पेयर व्हील टूल किट्स होता है तो इसके अंदर बहुत ही मतलब इसका जो माइलेज है ना गाइस, वाकई में मतलब इसका ऑन रोड की बात कर लें तो इसका 8,30,000 बिहार के स्पोर्ट्स मॉडल में, बिहार के बोधगया के शोरूम है, 8,30,000 आपको ऑन रोड इस गाड़ी पड़ती है कि स्पोर्ट्स वेरिएंट या एस्टा वेरिएंट है। और इसका जो मतलब माइलेज है वाकई में बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त है। 2021 में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली ये गाड़ी है गाइस। इस गाड़ी के बारे में बात कर लें तो सेफ्टी रेटिंग हालाँकि बहुत ही अच्छा है सेफ्टी रेटिंग इसका। तो ये आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक कि जय हिंद जय भारत।